हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुकी श्रद्धा। मेरा नाम है श्रद्धा और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज हम बनाएंगे ढाबा स्टाइल दाल फ्राई। तो चलिए बहुत जल्दी से देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक नॉनस्टिक पैन में 2 चम्मच घी डाला है। ये मैंने घर का बनाया हुआ घी इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो कोई भी देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं या आप चाहें तो मक्खन भी इसमें डाल सकते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल। तेल डालने का रीज़न बस यही है कि मैं चाहती हूँ कि मेरा घी या मक्खन जो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो जले नहीं। इसको हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे। घी हमारा गर्म हो चुका है, अब हम डालेंगे इसमें तड़का। उसके लिए मैंने यहाँ पे डाला है 2 तेज पत्ता, 1/2 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच हींग और 1 मीडियम बारीक कटी हुई प्याज। इसको हम थोड़ा सा 1 से 1.5 मिनट तक पका लेंगे। प्याज हल्का सा गुलाबी होने तक हम इसको पकाएंगे। दोस्तों, हम ये ढाबा स्टाइल दाल फ्राई बना रहे हैं तो आपको जो फ्लेम रखनी है तड़के तक वो आपको हाई फ्लेम रखनी है। इसी के साथ मैं इसमें डाल दूंगी 5 से 6 कली बारीक कटी हुई लहसुन, 1/2 इंच अदरक ग्रेट की हुई और 2 से 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। ये सारी चीज़ें हमने इसमें मिला दी हैं और इसको भी हमको भूनना है 1 से 1.5 मिनट, वो भी हाई फ्लेम में। और ये देखिए, आप देख सकते हैं हमारा ये जो मसाला है वो भुन चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी 1 बड़ा बारीक कटा हुआ टमाटर और इसको भी हमें भूनना है। फ्लेम अभी तक मैंने हाई रखा है और अब मैंने फ्लेम को किया है स्लो, क्योंकि मुझे अब इसमें कुछ चीज़ें ऐड करनी है, इसलिए मैंने फ्लेम को स्लो किया है जिससे हमारा जो मसाला है वो जले नहीं। अब मैं डालूंगी इसमें 1/2 चम्मच नमक। दाल उबालते समय भी मैंने नमक डाला था, इसलिए मैंने 1/2 चम्मच अभी डाला है। उसके साथ मैं डालूंगी 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 बड़ा चम्मच टमाटो केचप और ये सारी चीज़ें डाल के मैं इसको मिक्स कर दूंगी एक बार। दोस्तों, जो मैंने इसमें दाल ली है वो मैंने ली है 1/2 कप तुअर की दाल यानी अरहर दाल और 1/4 कप चने की दाल। इनको मैंने पहले ही नमक और हल्दी डाल के, पानी डाल के उबाल के रखा है। प्रेशर कुक में मैंने इसको कुक किया था दाल को, जो मैं आगे इसमें ऐड करूँगी। तो ये देखिए, जो हमारा जो मसाला है वो लगभग हमारा रेडी हो चुका है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी मैं, बहुत थोड़ा सा। वो इसलिए कि मैं चाहती हूँ कि जो हमारा मसाला और ये जो टमाटर वगैरह है ये सब आपस में अच्छी तरह से जुड़ जाए, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको हाई फ्लेम में भूनेंगे। और अब मैं इसमें डालूंगी 1/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। इससे कलर और जो महक है दाल की वो बहुत अच्छी आती है। वैसे ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है कश्मीरी रेड चिली पाउडर तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और इसके साथ मैंने इसमें दोबारा डाला है पानी और अब मैं इसमें डालूंगी दाल जो हमने पहले से पका के रखी है नमक और हल्दी में। इस दाल में मैंने कुछ नहीं डाला है, सिर्फ नमक और हल्दी डाला था। जैसा कि मैंने पहले बताया, 1/2 कप तुअर दाल और 1/4 कप चने की दाल है इसमें। चने की दाल की क्वांटिटी आप थोड़ी कम भी कर सकते हैं। 1/4 चम्मच मैं इसमें ऊपर से डालूंगी गरम मसाला। फ्लेम हमारी हाई है और इसको अच्छे से हम बॉयल कर लेंगे। अगर आपको थोड़ी थिक दाल चाहिए तो आप इसको थोड़ी और ज़्यादा देर तक बॉईल करिए, जिससे जो हमारा पानी है वो इवेपोरेट हो जाएगा और कंसिस्टेंसी बराबर हो जाएगी। वैसे ये दाल ठंडी होने के बाद भी थिक होती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ज़्यादा थिक नहीं किया है, जो कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। और हमारी जो ढाबा स्टाइल दाल है वो बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगी।